मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम हिंदी विषय में कक्षा 6 का यानी कि आपकी कक्षा का दिव्य भारती से पाठ 18 स्वास्थ्य का पुंज योग पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ के विषय में मैं आपको थोड़ी सी पहले जानकारी दे देती हूँ जिससे कि आपको इसे समझने में सरलता हो। तो बच्चों इस पाठ में क्या बताया गया है यह हम पहले जान लेते हैं। इस पाठ में बच्चों स्वस्थ रहने के लिए योग का योगासनों का महत्व बताया गया है कि योग के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ, 21 जून। 21 जून हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है ना बच्चों। तो योग पहले प्राचीन समय में भी योग के आधार पर ऋषि मुनि और जो बड़े बड़े महात्मा हुए, ऋषि हुए, वो सब जो है योग के आधार पर दीर्घायु प्राप्त करते थे, यानी कि लंबी आयु प्राप्त करते थे और काफ़ी बहुत समय तक स्वस्थ रहते थे। योग का इतना महत्व है कि योग से लंबी आयु प्राप्त करते हुए और स्वस्थ रहते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ दिनचर्या का होना आवश्यक है। स्वस्थ दिनचर्या में संतुलित भोजन, योग सुबह को और शाम को, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, ये सब जो स्वस्थ रहने के तरीके हैं, ये इसके साथ साथ योगासन भी हमारे जीवन को स्वस्थ बना सकता है। तो यही इस पाठ में बच्चों बताया गया है। इस पाठ को बच्चों हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, पेज नंबर है 148। ठीक है बच्चों, आइए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, 148 पेज नंबर, और अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अब बच्चों इसको हम पुस्तक के द्वारा पढ़ेंगे। ओके